हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत के राजकीय चिकित्सालय में लगातार बढ़ रही चोरियों से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सालय में लंबे समय से स्थायी चौकी लगाने की मांग के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे। ज्ञापन में बताया कि 5 दिनों में स्थायी चौकी नहीं लगाई तो SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि लंबे समय से चिकित्सालय परिसर में मरीजों के परिजनों की बाइकें और मोबाइल चोरियों की वारदातें हो चुकी है। ज्ञापन सौंपने वाले में रतन प्रकाश इच्छरसा, विकास टॉक, शंकरलाल पारिक, चंपालाल खोरवाल, भूराराम देवड़ा, जौहरी लाल, गोपाल, लक्ष्मण राम, रमेश कुमार, नाराराम आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। यदि 5-7 दिन में व्यवस्था अपनी चौकी की हो गई तो ठीक, अन्यथा धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के बाद या आमरण अनशन भी कर सकते। सोजत से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।